हेलो बेबीज एंड बाबाज हेलो बॉयज एंड गर्ल्स हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज प्रोफेसर नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है चलिए बच्चों आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू माय डियर व्यूअर्स लेट अस कंटिन्यू विद बिजनेस लॉ हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे थे हमने मॉड्यूल नंबर वन कंप्लीट कर दिया है हमने मॉड्यूल नंबर वन फिनिश कर दिया है मॉड्यूल नंबर टू का भी चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू हम कर चुके हैं हम मॉड्यूल नंबर टू चैप्टर नंबर थ्री पे है द नया कॉन्सेप्ट द न्यू कॉन्सेप्ट दैट गोना स्टार्ट विथ इज़ माय डियर स्टूडेंट्स अंडर सेक्शन सेवनटी अंडर सेक्शन सेवनटी बच्चों हम अभी भी कोसी कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही हैं हम अभी भी कोसी कॉन्ट्रैक्ट्स ही पढ़ रहे हैं अंडर सेक्शन सेवेंटी क्या बोल रहा है लाइबिलिटी टू पे समझिए लाइबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेटूट एक्ट्स लाइबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेटूट एक्ट्स हमें मालूम है यस मैडम यस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है हमें मालूम है और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है बस उसी में सेक्शन सेवेंटी ऐसा बोलता है अगर अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए इफ वन पर्सन हैज़ डन समथिंग फॉर द अदर पर्सन इन अ ग्रैट्यूट वे यानी किसी के लिए अच्छाई के लिए किसी के भलाई के लिए नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मॉनिटरी रिटर्न उसे ग्रेट्यूटस कहते हैं किसी के भलाई के लिए एज अ गुड डीड एज ह्यूमैनिटी एज एज़ अगर एज ह्यूमेनिटी अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो वो ग्रेचुएटस एक्ट है जिसमें आप वापस पैसा कंसिडरेशन एक्सपेक्ट नहीं करते हो लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है ऐसे बहुत सारे कार्य है जो नॉन ग्रेचुएट्स है यानी नॉन ग्रेचुएट्स यानी आप सामने मॉनिटरी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ चीज़ कुछ काम कोई एक्ट करता है जो कि उसी व्यक्ति को करना चाहिए था लेकिन फिर भी उसके बिहाफ में दूसरा दूसरा व्यक्ति कर रहा है एंड दैट एक्ट इज नॉन ग्रेट इन नेट कॉम्पन्सन दैन दैट अदर पर्सन बट शो विल गेट द कॉम्पन्सन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वेर अ पर्सन लॉफुली डज एनी थिंग फॉर अनादर पर्सन जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लॉफुली कुछ करता है या डिलीवर्स एनीथिंग या कुछ डिलीवर करता है उसे नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअटली फ्री में नहीं कर रहा है फ्री में नहीं कर रहा है वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, है। इसीलिए तो नॉन ग्रेचुअटस कहते हैं एंड सच अदर पर्सन इंजॉय द बेनिफिट दूसरे व्यक्ति को बेनिफिट हुआ लेटर

उस बच्चों हमने एग्जाम्पल में देखा था ए ट्रीड्स मैन लीव गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक गलती से गुड्स वहां पर डिलीवर हो गया गलती हो गई बी ट्रीट्स द गुड्स एज हीज ओन बी यानी जो अब आप आपके घर पे डिलीवरी आया था वो मिठाई का डब्बा आया था आपने कंज्यूम किया यानी आपने उस गुड्स को खुद का ट्रीट किया उस आपको लगा ये गुड्स मेरे ही हैं ही इज़ बाउंड टू पे ए फॉर देम अगर आपने किसी का गुड्स किसी ने बाई मिस्टेक आपके घर पे डिलीवर किया है और अगर आपने उसका फ़ायदा उठाया यानी आपने वो गुड्स को कंज्यूम किया यूज़ किया तो यू विल बी लाइबल टू पे नेक्स्ट इज बच्चो ए सेवस बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर बी की प्रॉपर्टी है जो आग में जल रही है लेकिन ए सेव्स दैट प्रॉपर्टी ए पढ़िए ध्यान से पढ़िए ए इज नॉट एंटाइटल टू द कॉम्पेंसेशन फ्रॉम बी ए इज नॉट एंटाइटल टू पे द कॉम्पेंसेशन टू गेट द कॉम्पेंसेशन फ्रॉम बी इफ इफ मतलब कंडीशन है एंटाइटल क्यों नहीं है अगर द सर्कमस्टांसिस शो दैट ही इंटेंडेड टू डू द एट ग्रेटी अगर उसने अगर इसने इसकी प्रॉपर्टी आग से बचाई अगर ए ने बी की प्रॉपर्टी आग से जलन, आग में जलने से बचाई लेकिन वो उसने एज एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी किया इंसानियत के नाते किया तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा इंसानियत के नाते किया यानी नॉट एक्सपेक्टिंग मॉनेटरी रिटर्न अगर ग्रेटूटसली किया तो मॉनेटरी रिटर्न नहीं मिलेगा कॉम्पेंसीशन नहीं मिलेगा लेकिन अगर नॉन ग्रेटूटस था तो कॉम्पनसेशन मिलेगा आगे बढ़ते हैं बच्चों कंडीशन पढ़ते हैं और सेक्शन सेवेंटी को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कंडीशन नेसेसरी टू अट्रैक्ट सेक्शन सेवेंटी क्या बोल रहे हैं द एक्ट मस्ट बी लॉफुल जो भी कार्य दूसरे कार्य के लिए कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए बच्चों कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर आप किसी की मदद कर रहे हो अगर कोई भी व्यक्ति इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कर रहा है तो ऑलरेडी वो एक्ट इलीगल है वो कार्य तो ऑलरेडी इलीगल है तो उसमें वो कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकता दिस इंक्लूड्स द केसेस वेयर द पर्सन वाइल डूइंग द एक्ट इज़ अंडर द इम्प्रेशन दैट ही विल ही वुड रिसीव री रेम्यूनिशन फॉर हिज सर्विसेज द कोर्ट विल नॉट कंपेयर अ पर्सन टू पे फॉर द सर्विसेज विच हैव बीन थ्रस्ट अपॉन हिम अगेंस्ट हिज विल यानी अगर आपने किसी के लिए अच्छा कार्य तो किया यानी जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य किया अरे लेकिन वो दूसरे व्यक्ति ने उसको पहले ही बोला था ये तू मत करना ये तू मत करना मतलब अगेंस्ट माय विल अगेंस्ट माय विल अगर किसी ने मुझे मदद की तो आई एम नॉट लाइबल टू पे मैंने तो पहले ही बोला था मत करना मैंने तो पहले ही बोला था मत करना नेक्स्ट इज बच्चो द पर्सन मस्ट एक्चुअली सप्लाइड गुड्स और रेंडर सर्विसेज यानी जो व्यक्ति जिसने दूसरे के लिए कुछ किया उसने एक्चुअली गुड्स या तो सर्विसेज रेंडर किए होंगे या तो गुड्स सप्लाई किया होगा बच्चों या तो सर्विसेज रेंडर किए होंगे आगे पढ़ेंगे सर्विसेज शुड हैव बीन रिसीव्ड विदाउट एनी रिक्वेस्ट यानी सामने वाली व्यक्ति ने उसको रिक्वेस्ट नहीं किया था उसने सामने से ही करके दिया था ये द पर्सन डूइंग द एक्ट मस्ट नॉट हैडेड टू डू इट ग्रेट्यूटसली जो दूसरे व्यक्ति के लिए काम करके दे रहा है वो ग्रेटूटसली नहीं कर रहा है हीज इंटेंशन आर नॉट ग्रेट यानी वो चाहता है समथिंग इन रिटर्न यानी वो चाहता है समथिंग इन रिटर्न द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन मस्ट है बेनिफिट आउट ऑफ एट अगर आपके घर पर डब्बा आया स्वीट का आपको उसमें से बेनिफिट मिला ना आपने खाया ना आपको खुशी मिली ना आपका पेट भरा ना यानी आपको इंजॉय हुआ और आपने इंजॉय किया और आपको बेनिफिट मिला नेक्स्ट इज बच्चों सच अ पर्सन टू होम द एक्ट इज डन सॉरी सच अ पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन मे बी इंडिविजुअल ऐसा कार्य किसी के लिए हुआ जो पर्सन हो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है वो बॉडी कॉरपोरेट भी हो सकता है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है वो म्यूनिसिपाल्टी भी हो सकता है और वो एनी कॉरपोरेशन भी हो सकता है जिसके लिए दूसरे व्यक्ति ने काम किया जिसके लिए दूसरे व्यक्ति ने नॉन ग्रेट एक्ट किया और पढ़ेंगे और, और समझने की कोशिश करेंगे क्वांटम ऑफ कॉम्पेंसेशन क्वांटम यानी कितना कॉम्पेंसेशन आपको देना पड़ेगा क्वांटम ऑफ कॉम्पेंसेशन पढ़ेंगे समझेंगे वेयर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर डज एक्स्ट्रा वर्क जब एक कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है बिल्डिंग बनाने का और जब वो कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा काम करता है वो बिल्डिंग के ऊपर ओवर एंड above द वर्क मैंशन इन द contract, contract में लिखा हो उससे ज्यादा अगर वो काम करके देता है he would be entitled to be paid at the market rate for such extra work. यानी जितना भी उसने काम एक्स्ट्रा किया ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने जितना भी काम एक्स्ट्रा किया उसको उसकी पेमेंट मिलेगी किस बिहा पे किस बिहाफ पे बच्चों ये पेमेंट उसको मार्केट रेट के बिहाफ़ पे जो भी मार्केट रेट में भी भाव चल रहा है उस बिहाफ पे उसको ये पेमेंट मिलेगी कॉम्पनसेशन इज़ यूजली एट द मार्केट प्राइज ऑफ द गुड्स सप्लाइड एट द मार्केट प्राइज ऑफ़ द गुड्स सप्लाइड रीजनेबल कॉम्पनसेशन be बी पेड फॉर द वर्क डन रीजनेबल must be बी पेड फॉर द वर्क डन कॉन्ट्रेक्टर jo जो भी एक्स्ट्रा काम किया Contractor ने जो भी एक्स्ट्रा काम किया उस काम का मार्केट वैल्यू क्या है आज के तारीख में उस काम का मार्केट वैल्यू क्या है बस उसी मार्केट वैल्यू असेस करने पे जितना भी मार्केट वैल्यू आता है असैसमेंट करना है और उस हिसाब से उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी है आगे बढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ क्वान्टम मेरियट द प्रिंसिपल ऑफ क्वान्टम मेरियट कैन बी अवॉर्डेड ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड अ फिक्सड प्राइस और कंसिडरेशन फॉर द वर्क डन ये प्रिंसिपल तभी ही अप्लाई होता है जब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो कि एक्स्ट्रा काम का कितना पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा काम का कितना पैसा मिलेगा सो लॉन्ग एज द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन पेमेंट ऑफ कॉम्पन्शन कैन नॉट बी कै नॉट कैन नॉट एट द रेट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम दोज स्टिपुलेशन ऑन द प्ली ऑफ इक्विटी द नेक्स्ट इज बच्चो दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई अंडरस्टैंड पढ़ने की कोशिश कीजिए दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू पर्सनस

व्यक्ति के लिए कर रहा है ऐसा व्यक्ति जो कि इनकम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए अगर कुछ ऐसा कार्य हो रहा है तो ही इज नॉट लीगली बाउंड टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम दैट इनकम्पीटेंट पर्सन आगे बढ़ते हैं बच्चों फाइंडर ऑफ द गुड्स ये एग्जाम्पल को स्टार मार्क करना है और आगे बढ़ना है सेक्शन सेवेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन सेवेंटी वन बोलता है फाइंडर ऑफ द गुड्स एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई गुड्स मिला है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई गुड्स मिला है जो कि उसका नहीं है जो कि उसका नहीं है ये गुड्स तो किसी और का है ये गुड्स तो किसी और का है लेकिन फिर भी अगर उसको मिला है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस गुड्स का ध्यान रखे वो इस गुड्स का ध्यान रखें और वो इस गुड्स को बचा के रखें इन द सेम मैनर कि वो गुड्स खुद का हुआ तो वो कैसे बचाता इन द सेम मैनर उसको ये गुड्स बचाने हैं इसको बेलमेंट भी कहते हैं हम बेली समझेंगे और इस कंसेप्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर गुड्स किसी और का है लेकिन मिला किसी और को एंड टेक इन टू हीज कस्टडी लेकिन उसने खुद के पास रख दिया इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एजी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अज टू होम इज अली एंड इज वॉट आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेली इज द पर्सन टू होम द गुड आर डिलीवर्ड अंडर द कॉन्ट्रेक्ट ऑफ बेलमेंट The bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would under the similar circumstances take of his own goods. wo jaise khud ke goods ka dhyan rakhta उसे वैसा ही under the contract of bailment, यानी as a bailee, उसे उस गुड्स का ऐसा ही ध्यान रखना है। यानी अंडर सेक्शन सेवेंटी वन अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गुड्स लेता है उसको मिलता है सॉरी अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का गुड्स मिलता है तो उसे उसका और उसने अपने कस्टडी में लिया है तो उसे उस गुड्स का उतना ही ध्यान रखता है रखना है एज अ बेली जितना बेली ध्यान रखता है यानी खुद का अगर गुड्स हुआ तो आप उस गुड्स को कैसे संभालोगे बस उसी तरह से आपको ये गुड्स संभालना है आगे बढ़ेंगे बच्चों एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा एच पिक्ड अपर डायमंड हो हो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है एच पिक्ड अपर डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ केज शॉप के के शॉप में से एच को एक डायमंड मिला एंड हैंड ओवर टू के उसने वापस के को दे दिया टू कीप इट टिल द ओनर अपीयर्स एच इज देयर फॉर द फाइंडर ऑफ द गुड्स एच ने एच को गुड्स मिला एच को गुड्स मिला, दुकान पे पड़ा था, पड़ा था, था, डायमंड उसने रिटर्न कर दिया केक को और बोल दिया जब तक इसका ओनर नहीं आता तब तक तू रख और जैसे ही ओनर आता उसको दे देना गुड्स इज लाइए समझिए अ फाइंडर ऑफ द गुड्स इज लाइबल टू फर्स्ट ट्राई एंड फाइंड आउट ओनर जी हाँ बिल्कुल 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 अगर किसी को अगर आपको किसी का गुड्स मिलता है जो कि आपका नहीं है लेकिन एक तो आपको उसका ध्यान रखना है एज अ बेली जी डेफिनेटली आपको उसका ध्यान तो रखना है लेकिन पहला काम आपको क्या करना है आपको ढूंढना है कि इसका ओनर कौन है इस गुड्स का ओनर बच्चों कौन है तो टेक केयर ऑफ द गुड्स जी हाँ बिल्कुल आपको गुड्स को संभालना है आपको गुड्स को संभालना ही इज एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ सच गुड्स अगेंस्ट द वर्ल्ड एक्सेप्ट टू द ट्रू ओनर यानी अगर आपको किसी का गुड्स मिलता है आपको किसी का गुड्स मिलता है जो कि आपका नहीं है फिर भी अगर आप उसका ध्यान रख रहे हो गुड्स को संभाल रहे हो उसका रियल ओनर ढूंढ रहे हो तो वो प्रॉपर्टी वो जो गुड्स है वो आपकी हुई अगेंस्ट द होल्ड वर्ल्ड एक्सेप्ट टू द ओनर यानी आपको वो गुड्स किसी को नहीं सौंपना है वो आपका ही रहेगा कब तक जब तक उसका ट्रू ओनर उसका रियल ओनर मिल नहीं जाता आगे बढ़ते बच्चों ही इज इंटाइटल टू अ लीन दैट इज टू रिटेन द गुड्स इवन अगेंस्ट द ट्रू ओनर वो ट्रू ओनर के सामने भी उसका गुड्स रिटेन कर सकता है यानी उसको ट्रू ओनर को भी ये लौटाना नहीं पड़ेगा क्यों और कैसे ंटिल ही इज पेड बाई द ओनर कॉम्पेंसेशन फॉर द कस्टडी केयर एंड प्रिवेंशन ऑल दो ही इज नॉट एन टाइटल कॉम्पें्पल लेते बच्चों एक है मिस्टर ए एक है मिस्टर बी एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी मिस्टर ए रस्ते पे चल रहे थे तभी उसको बहुत बड़ा कार्टून दिखाई दिया यानी बॉक्स दिखाई दिया बहुत बड़ा बॉक्स दिखाई दिया जिसके अंदर थे क्लोथ्स जिसके अंदर थे क्लोथ्स जिसके अंदर थे क्या थे क्लोथ्स ये जो बॉक्स था ये मिला ah. किसको मिस्टर ए को, को। ये बॉक्स एक्चुअली था किसका मिस्टर बी का मिस्टर बी ने मिस्टर ए ने बॉक्स उठाया बहुत हैवी बहुत ही बल्कि बहुत ही बड़ा बॉक्स था उसने टेम्पो करवाया टेम्पो वाले ने लिए दो हज़ार रुपये टेम्पो वाले ने लिए दो हज़ार रुपये कैसे भी करके उसने ये डब्बा ये बॉक्स कार्टन ये उसने घर पे पहुंचाया। किसके घर पे एक घर पे ढूंढते 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 वो बी को पता चल जाता है कि मेरा ये जो गुड्स है मेरा ये जो कार्टून था मेरा ये जो बॉक्स था ये मिस्टर ए के पास है वो मिस्टर ए के पास जाता है और मिस्टर ए को बोलता है चल मेरा कार्टून दे दे वापस तूने रखा वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू मेरा दे दे वापस मिस्टर ए बोलता है मैं तुझे तो कार्टून तो दे दूंगा तेरा ये जो बॉक्स था इतना बड़ा सा बल्कि सा उसको मुझे लोड अनलोड करवाने के लिए मेरे दो हज़ार रुपये गए मुझे दो हज़ार दे दे और ये अपना बॉक्स लेके जा मुझे दो हज़ार रुपये दे दे ये अपना बॉक्स लेके जा अगर मिस्टर बी रिफ्यूज़ करता है अगर मिस्टर बी पेमेंट करने से दो हज़ार का पेमेंट करने से रिफ्यूज़ करता है तो ही इज़ एंटाइटल्ड इन दिस बॉक्स उससे ये बॉक्स में से इसमें से उसको मिलना चाहिए पैसा अगर बी नहीं देता है तो क्योंकि बच्चों ये तो लॉजिक है ना अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा काम किया है और वो अच्छा काम करने के लिए उसको कुछ खर्चा लगा है तो आपको तो उसे पेमेंट देनी ही चाहिए ना आपको तो उसे पेमेंट देनी ही चाहिए नेक्स्ट इस बच्चों वेयर द ओनर हैज ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू द फाइंडर द फाइंडर कैन सू फॉर द रिवॉर्ड लेकिन अगर ये बॉक्स घूमा मिस्टर बी का ये बॉक्स घुमा और मिस्टर बी ने एडवर्टीजमेंट दी कि जो भी फाइंडर है उसको मैं दस हजार रुपये दूंगा मुझे मेरा बॉक्स मुझे मेरा कार्टून ला के दो तो फिर एक को दो हज़ार तो छोड़ो एक को कितना पैसा मिलेगा दस हज़ार और अगर ये नहीं दिया देन ही कैन एनफोर्स दिस ऑन एम मतलब ये कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जा सकता है आगे बढ़ते बच्चों ही कैन सेल द गुड्स वेन जो बेली है यानी कि जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है वो ये गुड्स बच्चों कब बेच सकता है हाँ हा ही कैन सेल द गुड्स वेन कभी गुड्स बेच सकता है जब द कमोडिटीज पेरिशेबल अगर नहीं बेची ना तो जो अंदर का माल है जो उसको मिला है वो बिगड़ जाएगा पेरिशेबल उसका लाइफ ला ज़्यादा नहीं है द ओनर के नॉट बी फाउंड बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा लेकिन ओनर मिल ही नहीं रहा है द ओनर रिफ्यूज ट पे अंडरस्टैंड ना बच्चों द ओनर रिफ्यूज टू पे द लॉफुल चार्जेस टू दाइंडर अरे भाई तुमने जिसकी जिसको भी तुम्हारा गुड्स मिला है अगर उसको पेमेंट नहीं करोगे तो उसके पास राइट वो बेच सकता है डेफिनेटली राइट है उसके पास द लॉफुल चार्जेस अमाउंट टू टू थर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ़ द कमोडिटी फंड अंडरलाइन कीजिए बच्चों टू थर्ड को अंडरलाइन कीजिए द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट माई डियर स्टूडेंट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अंडर सेक्शन सेवेंटी टू अंडर सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोल रहा है सेक्शन 72 क्या बताता है देखिए लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोएजर्न अगर लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू होम मनी इज पेड अगर किसी को पैसा दिया गया है या किसी को कुछ चीज डिलीवरी दी गई है बाय मिस्टेक या किसी को फोर्सफुली अगर कुछ दिया गया है तो वो पर्सन जिसको वो मिला है उसका लाइबिलिटी क्या होगा पढ़ेंगे समझने की कोशिश करेंगे अ पर्सन टू होम मनी हैज़ बीन पेड अ पर्सन टू होम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाई मिस्टेक और अंडर को मस्ट रीपे और रिटर्न उसका हक बनता है कि वो उसे रीपे या रिटर्न करे करना ही चाहिए क्योंकि इसको जो डिलीवरी मिली है वो तो उसको बाय मिस्टेक मिली है एक्चुअली इसको मिलनी नहीं चाहिए थी अंडर सेक्शन 72 आगे पढ़ेंगे समझने की कोशिश करेंगे इलेस्ट्रेशन यानी एग्जांपल ए एंड बी जॉइंटली ऑफ हंड्रेड रुपीज टू सी ए है बी है इन दोनों को मिलकर सी को हंड्रेड देना है कितना रुपीज देना है बच्चों हंड्रेड देना है ए अलोन पेज द अमाउंट टू सी ए ने अकेले एक्चुअली फिफ्टी फिफ्टी देना चाहिए था लेकिन ए ने अकेले ने हंड्रेड रुपीज दे दिया सी को सी इज बाउंड टू repay समझो सी इज बाउंड टू repay द अमाउंट टू बी कैसे लेकिन अगर बी को नहीं पता कि ए ने पूरा पूरा पैसा दे दिया लेकिन फिर भी ए भी बी भी वापस जाके उसको अगर पैसा देता है जबकि ए ने उसको पूरा पूरा अमाउंट दे दिया है तो ये सी की लाइबिलिटी हुई कि उसको बी को ये रिफंड देना पड़ेगा ए अलोन पेज द अमाउंट टू सी एंड बी नॉट नोइंग अबाउट द फैक्ट पेज हंड्रेड रुपीज़ ओवर अगेन टू सी ए ने तो उसको सौ रुपये दिए लेकिन बी ने भी उसको सौ रुपये दिए तो सी को दोनों के सौ सौ रुपये एक्सपेक्ट नहीं करने हैं उससे एक सौ रुपये जो भी बी है उसको उसको सौ रुपए रिटर्न करने ही पड़ेंगे बच्चों नेक्स्ट माइ डे रेलवे कंपनी अरेवे अरेवे कंपनी रिफ्यूज टू डिलीवर अप सर्टेन गुड्स रेलवे कंपनी रिफ्यूज टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू द कंसाइनी एक्सेप्ट ऑन द पेमेंट ऑफ द इ चार्जेस ऑफ द कैरिज द कंसाइनी पेज द सम इन ऑर्डर टू ऑपटेन द गुड्स ही इज एंटाइटल टू रिकवर सो मच of the charge as was illegally excessive यानी illegally उसको जितना excessive payment किया उसको करना पड़ा उसके पास पूरा right है कि वो ये recover कर सकता है बच्चों next बढ़ेंगे essentials section को attract करने के लिए कौन से कौन से कौन से कौन से essential factors है पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे a payment under mistake a payment under mistake is made when it is not legally due और इट कुड नॉट बी एनफोर्स्ड लीगली नहीं ड्यू था और लीगली एनफोर्स भी नहीं करवा सकते थे फिर भी पेमेंट मिस्टेक में की मनी इज़ पेड अंडर द बिलीफ दैट इट इज़ लीगली ड्यू एंड दिस बिलीव इज मिस्टेक ये जो बिलीव था कि लीगली पे करना चाहिए था लेकिन ये मिस्टेक है बच्चों सच अ पर्सन वैन ही पे अंडर अ मिस्टेक मस्ट बी रिपेड जो हमारे मिस्टर बी थे उसको लगा उसको भी पेमेंट करनी है लेकिन ए कर चुका था तो सी को बी को पैसा वापस देना पड़ेगा द पेमेंट इवन दो इट कैन बी ऑफ टैक्स टैक्स हैज़ बीन मेड बाय अ पार्टी लेबरिंग अंडर अ मिस्टेक ऑफ लॉ दैट पार्टी इज एन टू रिकवर दैट रिकवर दैट एंड द अदर पार्टी इज बाउंड टू रीपे दूसरे पार्टी को भी उसका पेमेंट वापस करना ही पड़ेगा चाहे वो टैक्स होने दो टैक्स होगा तो भी उसको रीपेमेंट हो करना ही पड़ेगा नेक्स्ट इज बच्चों मनी पेड अंडर मिस्टेक इज रिकवरेबल वेदर द मिस्टेक इज ऑफ द फैक्ट और ऑफ द लॉ मिस्टेक किसी भी चीज की हो मिस्टेक किसी भी चीज़ की हो फैक्ट की हो, fact की हो फैक्ट की हो या लॉ की हो तो भी मनी रीपेमेंट करना ही पड़ेगा नेक्स्ट इज बच्चो वेयर मनी आर पेड वॉलेंटरीली विथ फुल नॉलेज ऑफ ऑल द फैक्ट्स रिलेटिंग टू द वर्डनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देट डज नॉट अराइज मिस्टेक ऑफ द लॉ ऑफ द फैक्ट एंड सच मनी के नॉट बी रिकवर्ड अगर आप जानते हो पेमेंट करते वक्त आप जानते हो कि नहीं करने की ज़रूरत है पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है तो भी अगर आप करते हो विद द फुल नॉलेज ऑफ ऑफ द फैक्ट्स विद द फुल नॉलेज ऑफ ऑल द फैक्ट्स तो आपको वो पैसा रिकवर करने का कोई भी राइट नहीं है तो बच्चों आपको वो पैसा रिकवर करने का कोई भी राइट नहीं है दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर बच्चों वी रीच टू द एंड ऑफ द लेक्चर हम फटाफट फटाफट डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लेते हैं और एक लेक्चर को कंक्लूड करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट और एक क्सी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कितना डिफरेंस है एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट जी हाँ मैडम जी ये हम जानते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एक्चुअली ऑब्लिगेशन होती है किसी को पे करने की जिम्मेदारी होती है लेकिन क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल है नहीं पहले नहीं है लेकिन बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जाता है देर इज एन अग्रीमेंट देर इज नो अग्रीमेंट एट ऑल थर्ड पॉइंट है बच्चों द कॉन्ट्रैक्ट हैज सर्टन एसेंशियल एलिमेंट्स हमने सेक्शन टेन में अगर आपको याद होगा तो हमने सेक्शन टेन में असेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एबसेंट ऑफकोर्स असेंशियल फैक्टर्स है ही नहीं क्योंकि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं रहा था ना कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं रहा था फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बना क्यों एक्ट ऑफ द पार्टीज की वजह से एक्ट ऑफ द पार्टीज पार्टीज ने ऐसे कार्य किए इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया द लास्ट पॉइंट इज बचो इट इज़ फुल फ्लैज एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इट इज़ फुल फ्लैज एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इट इज इम्प्लाइड बाई द लॉ कानूनी तौर पे वो इम्प्लाई किया जाएगा द अग्रीव पार्टी गेट्स द सेम राइट्स एज इफ देयर हैड अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो पार्टी को जो राइट मिलता इस केस में भी ये पार्टी को ये राइट मिलेगा ही मिलेगा बच्चों दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी अगर आपको कोई भी डाउट्स है फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ थैंक यू